Welcome all of you here this morning. आज की सुबह आप सब लोग का स्वागत है इस स्थान पर. I want to read a passage from the Gospel according to Saint John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से मैं एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ. Verses 1 to 3. से 1 से 3 पद तक. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं. यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो. These are the words of the Lord Jesus Christ concerning his own coming back again. ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के शब्द है जो अपने वापस आने के बारे में बयान करता है. Jesus is coming. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. सब लोग चिल्ला के कहिए, यीशु मसीह आ रहे हैं. आप तैयार हो? If you are ready, I am glad for you. अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए खुश हूं. And I pray that the grace of God will help you and bless you so that you will always be ready and you will have no fear. और मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु की अनुग्रह आपके साथ बना रहे ताकि आप हमेशा इस तरह तैयार रहे. This is the first clear-cut promise that Jesus has given that he is going back to prepare a place for his faithful, loyal disciples. और ये पहली बार है जहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से इस बात को बताया है, प्रतिज्ञा किया है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने के लिए. I am going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं एक स्थान को तैयार करने के लिए. When I have prepared it, और जब वो पूरा हो जाएगा, I will come back. मैं वापस आऊंगा. For what? किस काम के लिए? To take you. तुम्हें ले जाने के लिए. To take me. मुझे ले जाने के लिए. Say everybody, say with your mouth open wide and say, Jesus is coming to take me. हर एक जन कहे, यीशु मसीह आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए. And look at each other and say, are you ready? और एक दूसरे को देखकर पूछे, क्या आप तैयार हैं? Don't simply say you are ready. ऐसे ही ना बोले कि आप तैयार हैं. Are we ready for his coming? He is coming for a prepared people. We need to be prepared for his coming. क्या हम तैयार हैं? क्योंकि यीशु मसीह एक तैयार हुए लोग के लिए आ रहे हैं. Because he is coming to take them so that they may be in a prepared place which we call heaven. क्योंकि यीशु मसीह अपने कलीसिया को ले जाने आ रहे हैं एक ऐसे स्थान में जो यीशु ने स्वयं तैयार किया है. As surely as Jesus went back to heaven after his earthly life and ministry, he will return to take his faithful followers that they may be with him forever. और जिस प्रकार यीशु मसीह अपने इस संसार में सेवकाई को खत्म करके ऊपर स्वर्ग में चले गए, उसी प्रकार यीशु मसीह फिर से लौटेंगे संसार में अपने कलीसिया को फिर अपने पास ले जाने के लिए. दिस वॉज द होप ऑफ द डिसाइपल्स फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, फ्रॉम द डे द चर्च वॉज बोर्न. और यही वो आशा है वो पहले शताब्दी के कलीसिया से लेकर आज तक. And it is still the hope of the church, true church, of the people who are loyal and faithful disciples. और आज भी ये कलीसिया के लिए वो आशा है ऐसे विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बने रहते हैं, सच्चे बने रहते हैं. How do you get ready? आप कैसे तैयार होते हैं? You must be ready
by living a godly and holy life. आपको इस प्रकार तैयार होना है कि एक ऐसा जीवन व्यतीत करे जो एक पवित्र जीवन है, एक परमेश्वर के योग्य जीवन है. How do you live a godly life? एक दैवीय जीवन आप कैसे जीते हैं? And how do you live a holy life? और किस प्रकार आप एक पवित्र जीवन जीते हैं? We have no idea how holy our God is. हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है. Holiness actually means the otherworldly. Otherworldly means not like anything that we have seen or know here in this. और पवित्रता का अर्थ यही है कि एक दूसरे संसार में एक जीना, एक प्रकार का जीना है. When you see someone dressed in a separate way, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो एक अलग तरीके के वस्त्र पहना हुआ है, wearing a particular color, एक विशेष एक रंग को पहने हुए हैं, and having a lot of malas around, और हो सकता है बहुत से माला पहने हो, and he walks on the road, और वो सड़क पर ऐसे चल रहा हो, when you see him, he say, here is a holy man going. और जब आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं ये एक पवित्र व्यक्ति जा रहे हैं. How do you know he is holy? आप कैसे जानते हैं कि वो एक पवित्र व्यक्ति या साधु है? Because the dress he wears. क्योंकि वो जिस प्रकार का वस्त्र पहनता है. A dress will not make you holy. एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने से आपको पवित्र नहीं बनाता है. And holiness also have a standard. और पवित्रता का भी एक स्तर होता है. All you need to do is study the life of Jesus, how he lived his life. आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में अध्ययन करना है कि यीशु मसीह किस प्रकार जिए थे. He submitted his own will to God the Father. यीशु मसीह ने अपने स्वयं के इच्छा को समर्पित कर दिया अपने पिता के हाथों में. Have you submitted your will to his will? क्या आपने अपने इच्छा को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है? Apostle Paul understood a holy life begins with a death. पौलुस प्रेरित इस बात को समझ गए थे कि पवित्र जीवन का शुरुआत जो होता है वो एक मृत्यु से होता है. डेथ टू सेल्फ, स्वयं के लिए मर जाना. व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूं. वेयर आई वांट टू गो, मैं कहां जाना चाहता हूं. व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूं. ऑल दीज थिंग्स यू नो दैट इज आवर सेल्फ, और ये सारी बातें ये मैं, ये स्वयं है. एंड सो दैट मैन has to die. So ye swayam, ye manush jo hai, isko marna hai. Because it is that man who says, I will live my life, I will my life in my way, and this is what I want, and this is what I want to do. And the man who says that, he must die. क्योंकि ऐसा मनुष्य जो है वो इस प्रकार कहता है कि ये मेरा जीवन है, जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूं मैं जीऊंगा, जो मैं करना चाहता हूं मैं करूंगा, और ऐसा मनुष्य को मरना जरूरी है. एंड व्हाट गॉड अप्रूव्स आई अप्रूव, और जो परमेश्वर जिन बातों से सहमत होता है उन्हीं बातों से हमें सहमत होना है. एंड व्हाट गॉड अप्रूव्स is all written here in this book. और जिन बातों को से परमेश्वर सहमत होते हैं वो सारी बातें इस पुस्तक में. That's why this book is given in your hand. और इसी कारण से ये पुस्तक आपके हाथों में दिया गया है. What you don't understand, you come and attend the Bible studies, you will understand. और जो बातों को आप नहीं समझते हैं, आप बाइबल अध्ययन में आए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे. And what God delights in, I delight in. और जो बात परमेश्वर को प्रसन्न करता है वही बातों से मैं प्रसन्न होता हूं. What burdens God burdens me. और जो बोझ प्रभु का है वही बोझ मेरे ऊपर भी है. That is where holy life begins. और यही पर वो पवित्र जीवन का शुरुआत होता है. It begins with a crucifixion. इसका शुरुआत
एक एक क्रूस पर चढ़ाने से होता है. That's why Apostle Paul said. और इसी कारण से पौलुस प्रेरित ने कहा. I am crucified with Christ. मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. It is no longer I who live. ये अब मैं नहीं जो जीता हूँ. Have you said that any time? क्या आपने कभी इस प्रकार कहा है? Do you remember the day you said that? क्या आपको याद है उस दिन जिस दिन आपने इस बात को कहा है? Apostle Paul remembered throughout his life. पौलुस प्रेरित ने अपने पूरे जीवन भर में इस बात को याद रखा. The life that he lived, he put that life on the cross. और जो जीवन पौलुस ने जिया था अब तक, उस जीवन को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया. That is where godliness and holiness begins in your life. और उस स्थान पे पवित्रता और दैवता शुरू होता है. Even if 1% of your old self remains in you. और अगर 1% भी आपका स्वयं आपके अंदर रहेगा, your holiness will not be perfected. आपका पवित्रता सिद्ध नहीं होगा. Our one desire must be, I must be prepared and ready for the coming of the Lord, because that matters everything. हमारी एक ही इच्छा होना चाहिए कि हमें अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि यही एक बात मायने रखता है. Once the church is removed from this earth, और एक बार ये कलीसिया जो है इस संसार से उठ जाएगा, Don't think you are going to enjoy life. आप ये ना सोचे कि आप जीवन का आनंद उठाने पाएंगे. Everything you struggled for and lived for will all become absolutely valueless. हर एक बात जिसके लिए आपने जिया है, आपने संघर्ष किया है, वो सब उस मूल्य, वो सब शून्य हो जाएगा. Not a trace of peace will be left here on earth. और जरा सा भी शांति इस संसार में नहीं पाया जाएगा. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Well, God has prepared a place for you. क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक स्थान को तैयार किया है. And he is coming back. और यीशु मसीह वापस आ रहे हैं. Now, what is the ultimate purpose of the Lord's return? So, प्रभु यीशु मसीह के आने का अंतिम वो उद्देश्य क्या है? Why is he coming back? यीशु क्यों वापस आ रहे हैं? The ultimate purpose of the Lord's return is that his faithful people may be with him forever, ever, ever in that endless eternity. और यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य यही है कि उसके लोग जो है हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए उनके साथ रहे. That will put an end to all your struggles. और इससे आपके सारे संघर्ष दूर हो जाएंगे. All your pain. आपका सारा दर्द दूर all हो जाएगा. All your sorrows. आपके सारे दुख दूर हो जाएगा. All your unbelief and all your fears. और जितना भी अविश्वास है, जितना भी भय है all आपके जीवन the problems में, that you face today. जितने भी समस्याओं का आप सामना करते हैं आज and के you दिन, cry somewhere, when is it going to be over? और आप पुकारते हैं ये सब खत्म कब होगा? How long I have to suffer कितने like this? दिनों तक हमें दुख उठाना पड़ेगा? How long? कितने दिनों तक? The longest time is till he comes. और सबसे लंबा समय तब तक होगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे. That is why it is called our hope. और इसीलिए इसे हम एक आशा कहते हैं. No matter what you go through, चाहे आप जिस बात से भी क्यों ना गुजरे, the struggles, temptation, pain, जितने भी संघर्ष है, परीक्षाओं है, दर्द है, my friends, there is an end to all. मेरे मित्रों, इन सारे बातों का एक अंत है. For whom? किसके लिए? For you, for those of us who are ready. आपके लिए और हम में से हर एक के लिए जो तैयार है. Not for others. दूसरों के लिए नहीं. For others it will all increase. दूसरों के लिए ये संघर्ष और दर्द और पीड़ा सब बढ़ जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. There is a hope for me.
मेरे लिए एक आशा है. There is a hope for you. आपके लिए एक आशा है. So remain faithful and loyal to Jesus Christ. So प्रभु यीशु मसीह के प्रति आप विश्वास योग और सच्चे बने रहे. No matter what price you have to pay. चाहे आपको कुछ भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े. Because life here on earth is as it is short. क्योंकि इस संसार का जीवन वैसे ही बहुत कम दिनों का है. It will all be over soon. ये सब बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा. But if you don't know Jesus. लेकिन अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह के संग नहीं चल रहे हैं, अगर विश्वास योग नहीं बने रहेंगे, you will be left behind. तो फिर आप पीछे ले जाएंगे. To go through all those and then new problems, you will be terrified to live here on earth. उन सब बुरे बातों से आप गुजरेंगे और नए समस्या खड़े हो जाएंगे और जब तक आपका अंत नहीं हो जाता. But Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह, He not only saved me, वो न सिर्फ मुझे बचाया, opened my eyes, मेरे आंखों को खोल दिया, to see where I am going, इस बात को देखने के लिए कि मैं कहां जा रहा हूं, and He also gives me daily grace to live a victorious life. और फिर प्रभु यीशु मुझे प्रतिदिन वो अनुग्रह देता है कि हम इस पवित्र जीवन को जीने पाए. That means, इसका अर्थ यही है, He has not abandoned me. कि यीशु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है. After saving me, मुझे बचाने के बाद, after you know, believing in Jesus, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद, He did not me alone to live and struggle, and now you are saved. Now you live your life. यीशु मसीह ने मुझे अकेले नहीं छोड़ दिया कि तुम अपना जीवन जियो और अपना संघर्ष करो. No, He did not. नहीं, ऐसा नहीं किया. He has saved me by His power. यीशु मसीह ने अपने सामर्थ के अनुसार मुझे बचाया है. And today He is keeping me by His power. और आज यीशु मसीह अपने सामर्थ से हमें रखे हुए हैं. He saved me by His grace. अपने अनुग्रह से मुझे बचाया है. Today He is keeping me, protect me by His grace. और आज यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे सुरक्षित रखे हुए हैं. So I don't have to be afraid of the devil. So अब मुझे शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है. I don't need to be afraid of any evil forces. और कोई भी दुष्ट ताकतों से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है. Hallelujah. Hallelujah. I don't need to be afraid of any sicknesses or diseases. और कोई भी बीमारी या रोग से मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है. In this life, I will have to suffer all that. इस जीवन में मुझे इन सब से गुजरना पड़ेगा. But I have a hope. लेकिन मेरे पास एक आशा है. One of these days, या आने वाले एक दिनों में, this Jesus is coming back. ये यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं. For me, मेरे लिए, to take me, मुझे ले जाने के लिए. Hallelujah, Hallelujah. And take me to that prepared place. और मुझे अपने साथ वो तैयार किए हुए स्थान पर पहुंचाने के लिए. To be with him, यीशु के संग रहने के लिए. Forever and ever, हमेशा हमेशा के लिए. Amen, Amen. Where there is no more sickness, जहां कोई बीमारी नहीं. No more pain, कोई दर्द नहीं. No more temptation, कोई परीक्षाओं नहीं. No more death. कोई मृत्यु नहीं. No more of any of these problems. और इन सारे समस्याओं से कुछ भी नहीं. Hallelujah. Hallelujah. I live in perfect health in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बिल्कुल सिद्ध स्वस्थ में, अच्छे स्वस्थ में मैं रहता हूं. Nobody will be there to laugh at me. और वहां कोई भी नहीं होगा मेरा मजाक उड़ाने के लिए. Nobody there to criticize me. वहां कोई भी नहीं होगा मेरा आलोचना करने के लिए. Nobody will be there to blame me. कोई भी नहीं होगा मेरे मुझे दोष लगाने के लिए. Nobody will be there to tempt me. कोई नहीं होगा मेरा परीक्षा लेने के लिए. Nobody will be there to trouble me. कोई नहीं होगा मुझे परेशान करने के लिए. Hallelujah. Hallelujah. And no sickness will ever enter into that glorious resurrection body. और उस महिमा मैं शरीर में कोई भी बीमारी घुसने नहीं पाएगा. आमेन, आमेन. To my left and right and front and behind, everybody, people who are of the same spirit, loving and embracing and rejoicing. मेरे दाएं और बाएं और आगे और पीछे ऐसे ही मेरे समान लोग होंगे जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं. हालेलुया, हालेलुया. You will not cry, oh, nobody cares for me. आप ऐसे नहीं पुकारेंगे कि कोई मेरा चिंता नहीं करता है. Because there everybody is caring for one another. क्योंकि वहां पर
और हर एक जन एक दूसरे का परवाह करता है. Oh, nobody prays for me. अरे कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता है. There you no longer need any prayer. वहाँ पर आपको प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है. You won't be praying there. आप वहाँ पर प्रार्थना नहीं करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Because there will be no need of any kind. क्योंकि वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होगा. Uh-huh, no loneliness. कोई अकेलापन नहीं. Nobody cares for, nobody talk to me. अरे कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता. Where everybody will be talking to you. वहाँ पर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बात करेगा. But more than that. लेकिन उससे बढ़कर. Jesus himself will be in our midst. यीशु मसीह स्वयं हमारे मध्य में होगा. Visibly. और जिसको हम देख सकते हैं. Amen. Hallelujah. He will be the attraction. और यीशु मसीह ही वहाँ पर सारा ध्यान का केंद्र बनेगा. No sleeplessness there. और वहाँ पर कोई नींद और सोना नहीं है. Because there will be nobody sleeping there. क्योंकि वहाँ पर कोई नींद नहीं आएगा. Hallelujah. Hallelujah. No tiredness. कोई थकावट नहीं है. Everybody will be in his or her perfect health. और हर एक व्यक्ति अपने अच्छे स्वास्थ्य में होगा. But there will be doing one thing. लेकिन एक बात वहां पर है. वर्शिपिंग. आराधना. वर्शिप विल कंटिन्यू. आराधना. वर्शिप विल कंटिन्यू. और लगातार आराधना चलेगा. वर्शिप विल कंटिन्यू. लगातार आराधना चलेगा. हालेलुया. Everybody will be worshiping. हर एक व्यक्ति वहां पर आराधना करेगा. But don't be mistaken. Worship is not the only thing that is going on. लेकिन आप धोखा ना खाए, सिर्फ आराधना ही नहीं करेंगे. You will be given responsibility. आपको जिम्मेदारियां दिए जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. You will have a job. आपके पास एक काम होगा. Amen. Amen. We are priest. हम याजक हैं. We also will be reigning with Jesus. हम यीशु मसीह के संग शासन भी करेंगे. And what my responsibility is, I don't know. और मेरे जिम्मेदारियां क्या होंगे मुझे नहीं मालूम. Maybe I will be the president of few countries, I don't know. हो सकता है मैं किसी देश का राष्ट्रपति होगा. Or I may be a doorkeeper. या फिर मैं द्वार पे खड़े रहने वाला व्यक्ति बनूंगा. And the joy is whatever my job will be. और आनंद यही है कि जो कुछ भी मेरा कार्य होगा, I will be joyfully doing it. मैं खुशी और आनंद के साथ मैं उस काम को करूंगा. There will be no high and low and middle. वहां पे कोई ऊंच या नीच नहीं होगा. Praise the Lord. Hallelujah. That is the life. यही वो जीवन है. There is an end. To your struggles and your problems. आपके समस्याओं के, आपके संघर्षों के एक अंत होगा. And we will be with Jesus. और हम यीशु मसीह के संग रहेंगे. You will be with Jesus. आप यीशु के संग रहेंगे. Forever. हमेशा के लिए. That is the ultimate purpose of His coming. और यही यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य है. That He wants His people to be with Him forever. और यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग उसके संग हमेशा के लिए रहें. And the second thought from this passage is. और इस भाग से दूसरा विचार ये है. Jesus said, "I am coming to take you with me." यीशु मसीह ने कहा कि मैं आ रहा हूँ ताकि तुमको मेरे साथ में ले जाऊँ. Now that is a reference to the rapture. और ये जिक्र करता है कलीसिया उठाए जाने के लिए. He will take us to himself by a rapture. और कलीसिया के उठाए जाने से यीशु मसीह अपने संग ले जाएंगे. When all followers of Christ will be caught up together in the clouds to meet the Lord. जब यीशु मसीह के हर एक विश्वासी जो है वो उठाए जाएंगे और बादलों में सब लोग मिलेंगे यीशु के संग. Now this multitude includes those who are still alive at the time of that event. और ये बड़ी भीड़ में वो लोग शामिल हैं जो उस समय भी जीवित हैं जब ये घटना होगा. As well as those who died in the Lord. और वे भी लोग होंगे जो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह में सो गए. When that happened. जब ये घटना होगा. So the living saints. So जो जीवित जो संत हैं. Will not be raptured first. ऐसा नहीं होगा कि वे लोग पहले उठाए जाएंगे. The dead
saints of God shall be resurrected. सबसे पहले जो यीशु मसीह में सो गए हैं, उनका पुनरुत्थान होगा. Now all these things are happening in a twinkling of an eye. और ये सारी बातें जो है, ये पलक झपकते ही होगा. The dead saints of God are raised first. और जो मरे हुए संत हैं, जो प्रभु में, वो लोग पहले उठाए जाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. So do not cry over those who died and went on ahead of you. So if they, those who are believers. So हमेशा हम उन लोगों के लिए ना रोते रहें जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं. Because they are not dead. क्योंकि वे मरे नहीं हैं. Their bodies are left here to be decayed. उनका शरीर जो है यहां पर जमीन पे गाड़ दिया है. They have gone to be with the Lord. लेकिन वे स्वयं जो है जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पास. They are also waiting for a resurrection. और वे भी इंतजार में हैं उस पुनरुत्थान के दिन के लिए. And to signal the resurrection, the Lord shall descend with a loud shout and with a trumpet. और उसका चिन्ह यही होगा कि प्रभु यीशु मसीह नीचे आएंगे एक ऊंचे आवाज में और तुरही जब फूकी जाएगी. आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? विल यू हियर द ट्रम्पेट साउंड? क्या आप उस आवाज को सुनेंगे? विल यू हियर? आर यू श्योर? क्या आप निश्चय है कि आप सुनेंगे? देन सेट योर लाइफ इन ऑर्डर. सो इसलिए आप अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाएं. लेट गॉडलीनेस कम. और दैवीयता आपके जीवन में आने पाए. And let worldliness and the fleshly desire go out. और सांसारिक बातें और शरीर की बातें जो है वो दूर होने पाए. Let holiness come. और पवित्रता आने पाए. And let everything that defiles us, let them. और go वो out. सारी बातें जो हमें भ्रष्ट करती है, हमें काला करते हैं, वो सब दूर हो जाए. Serve the Lord. प्रभु की सेवा करें. Talk to others about what Jesus has done for you. दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं और जो प्रभु ने आपके लिए किया है. Hallelujah. Hallelujah. Your testimony. आपकी गवाही. Is greater than a sermon that I can preach. वो उससे बढ़कर है. कोई भी प्रचार जो यहाँ से होता है उससे बढ़कर है. When you see someone struggling in life, जब आप किसी को देखते हैं कि वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, you can give your testimony. आप अपने गवाही को दे सकते हैं. Like our brother Asaram. और जैसे हमारे भाई आशाराम. What a testimony he has. क्या गवाही उनका है. He can see someone struggling. वो देख सकते हैं कोई अगर संघर्ष कर रहे हैं. He can sit with that person. और वो उस व्यक्ति के संग बैठकर. And explain to him what the Lord has done. और समझा सकते हैं कि देखिए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है. No one can contradict your personal testimony. और कोई भी आपका व्यक्तिगत गवाही जो है उसके विरोध में नहीं Look, बोल सकता है. This is what Jesus has done for. क्योंकि यही काम है जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है. Jesus cast out so many demons from one person. और यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला. And that person was so happy. और वो व्यक्ति इतना खुश हो गया. He didn't want to leave Jesus. वो यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहता था. He said, I will follow you. उसने बोला कि मैं आपके पीछे चलूंगा. But Jesus told him. लेकिन यीशु मसीह ने कहा. No. नहीं. That is not the reason I healed you. और उस कारण से मैंने तुम्हें चंगाई नहीं दिया. I healed you so that you will have a testimony to share with others. मैंने तुम्हें इसलिए चंगाई दिया है ताकि तुम्हारे पास एक गवाही होने पाए कि तुम दूसरों को बताओ. So you go home. So, जब आप घर जाओ. And go to your village. और अपने गांव जाओ. Or go to your city. या अपने शहर में and जाओ. And tell your friends, your neighbors and everyone what the Lord has done for you. और अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, दूसरों को बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है. He has saved us. उसने हमें बचाया है. And kept us here in this earth. और हमें इस पृथ्वी पर रखा है. For what? किस काम से? That you may have a testimony. ताकि आपके पास एक गवाही होने पाए. You don't have to preach like this. I am preaching. और जिस प्रकार मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है. Your job is. आपका काम यही है. To be trained here in the things of God. कि आप यहाँ पर परमेश्वर के बातों में आप प्रशिक्षण को पाएं. And then you go out. और फिर आप बाहर जाएं. Share your testimony. अपने गवाही को बांटे. What the good Lord has done for you. कि इस भले परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है. And if all the believers will do that. और अगर सारे विश्वासी
निवासी इस काम को करेंगे. Within few months, this place will be overflowing with souls. कुछ ही महीने में ये स्थान जो है छोटा पड़ जाएगा. Because hearing your testimony, क्योंकि आपके गवाही को सुनकर they will begin to believe. वे विश्वास करने लगेंगे. They will ask you, will you please pray for me? वे आपसे कहेंगे कि क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? That is your opportunity. यही आपका अवसर है. You just pray. आप प्रार्थना करें. God will honor the testimony of you because your testimony has come from the Lord. और परमेश्वर आपके गवाही का आदर करेगा क्योंकि वो गवाही प्रभु ने आपको दिया है. हालेलुया, हालेलुया. एंड सो दैट विल बी द पावर ऑफ गॉड. दैट्स द वे गॉड्स पावर विल वर्क थ्रू योर टेस्टिमनी एंड ब्रिंग अदर्स. सो यही परमेश्वर का सामर्थ है, वही सामर्थ जो आपके गवाही के द्वारा कार्य करेगा. so, और ऐसे दूसरे लोग आएंगे. सो लेट अस ऑल डू दैट. सो हम सब लोग इस काम को करें. लेट अस ऑल बिगिन टू डू दैट. हम इस सब लोग इस काम को शुरू करें. शेयर आवर टेस्टिमनी. अपने गवाही को बांटें. एंड टेल अदर्स. और दूसरों से कहें. व्हाट गॉड हैज डन फॉर अदर्स ही विल डू फॉर यू. कि जो काम परमेश्वर ने दूसरों के लिए किया है वही कार्य परमेश्वर आपके लिए भी करेगा. एंड यू कैन प्रे. और फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ऑल द टाइम क्राइंग ओनली फॉर योरसेल्फ. और वजह इसकी कि हम हमेशा अपने लिए ही रोते रहे. आउट ऑफ सेल्फ पिटी. और अपने खुद के लिए हम दुखी दुख मना रहे हैं. डू यू नो सेल्फ पिटी इज अ सिन. आप जानते हैं कि अपने खुद के लिए दुख उठाना वो एक पाप है. Why should you feel self-pity? आप क्यों अपने लिए दुखी हो रहे हैं? Self-pity is I have no help, no friends, nobody can help. और आप यही बोलते हैं मेरे पास कोई मित्र नहीं, मेरा कोई नहीं है. Oh, poor me. अरे हाय मुझ पर. I am alone in this world. Who said you are alone? किसने कहा आप अकेले हैं? God saved you, he never abandoned you. अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है तो परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा. He said, है. I will never leave you nor forsake you. प्रभु ने कहा कि मैं कभी भी तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा. That is his promise. ये प्रभु का प्रतिज्ञा है. If you remain faithful to अगर आप विश्वास योग बने रहेंगे, he will never leave you. वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा. In the most difficult situation, he will still be there with you. चाहे कितना कठिन परिस्थिति आप के जीवन में आए वो And तब भी आपके संग रहेगा. Able to deliver you from the hardest places. और प्रभु इस बात को साबित करेगा कि वो योग्य है सबसे कठिन स्थिति से आपको निकालने के लिए. हालेलुया. God is with me. प्रभु मेरे संग है. That's what you have to confess. और आपको इसी बात को अंगीकार करना है. He will not quench the fire, but he will increase the fire for you. और प्रभु जो है आपके अंदर उस आग को बढ़ाएगा. Who will increase? कौन बढ़ाएगा? Your enemies. आपके शत्रु. And God will allow that. और प्रभु जो है उसका अनुमति देगा. Why? क्यों? He wants to show his power for you inside that fire. क्योंकि प्रभु जो है उस आग के अंदर अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है. He is able. वो योग्य है. He will be with me. प्रभु मेरे संग रहेगा. That's why David said, I shall not be afraid when I go through the valley of the shadow of death. और इसी कारण से दाऊद ने कहा कि मैं डरूंगा नहीं चाहे मैं उस घाटी मृत्यु के घाटी से क्यों ना गुजरे. Tell me why? ऐसा क्यों? Why David says I will not be afraid when I go through the valley? क्यों दाऊद कहता है कि जब मैं मृत्यु के घाटी से गुजरूंगा मैं डरूंगा नहीं? बोलिए ना why? क्यों कहता है? Why did he say? दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? No. What does it say that verse? When I walk through the valley of the shadow of death. वो पद में क्या लिखा है? जब मैं मृत्यु के घाटी से गुजरूंगा. Why? Because. क्योंकि यू आर विथ
क्योंकि तू मेरे संग संग चलता है. When I go through that valley, जब मैं उस घाटी से जाता हूँ. When I go through the darkness, जब मैं उस अंधकार से गुजरता हूँ. When I go through the fire, जब मैं उस आग से गुजरता हूँ. When I go through floods, जब मैं बाढ़ों से गुजरता हूँ. When I go through sickness, और जब मैं बीमारी से गुजरता हूँ. I shall not be afraid, मैं डरूंगा नहीं. Because You are with me. क्योंकि तू मेरे संग रहता है. My father and mother may not be there. और हो सकता है मेरे माता या पिता मेरे संग ना हो. My brother and sisters may not be there. मेरे भाई या बहन कोई ना हो. My husband may not be there. मेरा पति मेरे साथ ना हो. My wife and children may not be there. मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरे But संग ना हो. Lord, you are with लेकिन me. लेकिन प्रभु आप मेरे संग रहेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Let us praise the Lord. आइए हम प्रभु की स्तुति करें. Amen. Hallelujah. You are with me. आप मेरे संग चलेंगे. Come on, everybody shout. हर एक जन कहे. Lord, प्रभु. You are with me. आप मेरे संग रहें. You are with me. आप मेरे साथ हैं. I am sick and weak. मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ. But you are with me. लेकिन आप मेरे साथ हैं. I am lonely, Lord. मैं अकेला हूँ, प्रभु. But you are with me. लेकिन आप मेरे साथ हैं. I have financial problem. और मेरे पास आर्थिक समस्या है. But you are with me, लेकिन Lord. आप मेरे साथ हैं प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. I don't have a food to eat. और मेरे पास भोजन नहीं है खाने के लिए. But you are with me. लेकिन आप मेरे साथ हैं. You satisfy me. आप मुझे संतुष्ट करते Hallelujah. हैं. Hallelujah. No matter what circumstance you go through. चाहे मेरा कुछ भी परिस्थिति क्यों ना रहे. Shout unto the Lord. और प्रभु को धन्यवाद दें. I shall not be afraid. मैं डरूंगा नहीं. Because Jesus is with me. क्योंकि यीशु मेरे साथ है. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. प्रभु की स्तुति हो. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? God is great and greatly to be praised. परमेश्वर महान है और महानता के योग्य है. During this new week. और इस आने वाले हफ्ता में. Today is the first day of the new week. आज इस हफ्ते का पहला दिन है. There are six more days. छह और दिन है इस हफ्ते में. You will be walking in the world. आप इस संसार में चलेंगे. Sometimes pathway is very dark. और कभी कभी वो मार्ग जो है वो अंधकार से भरा रहेगा. You may feel lonely. आप अकेलापन महसूस करेंगे. You may feel rejected. आप तिरस्कार महसूस करेंगे. You may feel you have no friends. आप महसूस करेंगे आपका कोई मित्र नहीं है. But if you know Jesus, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जानते हैं, do not be afraid. आप डरे नहीं. He is with you. क्योंकि वो आपके साथ है. Now, he may be silent. हो सकता है वो खामोश रहे. But he is with you. लेकिन वो आपके साथ है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू वॉक विद माय फादर इन द डार्क. मैं अपने पिता के साथ अंधकार में चलता था. ही मे नॉट स्पीक टू मी एनीथिंग. और वो कभी मुझसे कुछ बात नहीं करते थे. आई डोंट स्पीक टू और मैं भी बात नहीं करता था. वी आर सिंपली वॉकिंग. हम सिर्फ पैदल जा रहे हैं थ्रू द डार्कनेस, अंधकार में. But as long as I know my father is with me, I was not afraid. लेकिन जब तक मैं जानता था कि मेरा पिता मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Our heavenly Father is like that. हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा ही है. He may not speak to you always. और हमेशा वो हमसे बात नहीं करेंगे. But my friend, if you are faithful to God, you must know that He will never leave you nor forsake you. लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग बने रहेंगे, आप इस बात को निश्चय से जान ले कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा, आपको त्यागेगा नहीं. Lift up our hands up. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें. हालेलुया. यीशु का नाम धन्य हो. हालेलुया. एंड देन इट सेज सो वी विल बी विद हिम फॉरएवर. फिर लिखा है कि हम हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के संग रहेंगे. यू टर्न टू 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. पहला थसलोनिकियों चौथा अध्याय 17 पद. Someone who found it can read. पहला थसलोनिकियों चार अध्याय 17 वचन.
हम सदा प्रभु के संग रहेंगे. Hallelujah. Shall we all say that? हम सब इस बात को कहें. I will be with him always. हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. Make it personal. मैं सदा प्रभु के संग रहूंगा. मैं सदा प्रभु के संग रहूंगा. That is my hope. यही मेरी आशा है. Amen. Amen. Glory to God. This will take place suddenly. और ये काम जो है अचानक होगा. At an unexpected time. ऐसे समय में जब हम आशा नहीं करते हैं. God has not revealed time to us. परमेश्वर ने वो समय हमें नहीं प्रकट किया है. And because we don't know. और क्योंकि हम नहीं जानते हैं. We must be ready 24 hours, 7 days a week. हमें तैयार रहना है 24 घंटे सातों दिन हफ्ते में. ना आजकल ये साइन है 24/7. आजकल ऐसे कहा जाता है 24/7. Services are available. और सेवाओं जो है वो उपलब्ध है. We need to be ready 24 hours, 7 days. और ऐसे ही हमें तैयार रहना है 24 घंटे सातों दिन. Because we don't know when he is coming. क्योंकि हम नहीं जानते वो किस समय आएंगे. The rapture will take place in a twinkling of an eye. क्योंकि कलीसिया का उठाए जाना जो है वो पलक झपकते ही होगा. First there is no warning trumpet. There will not be any warning trumpet. और पहले एक चेतावनी के लिए तुरही नहीं फूकी जाएगी. I am coming. कि मैं आ रहा हूँ. Get ready. तैयार हो जाओ. And then you suddenly go asking God for forgiveness. और फिर अचानक आपको समय मिलेगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे. And then there is an two, three angels are sent ahead. और फिर दो तीन स्वर्गदूत पहले भेजे जाएंगे. The king is coming. कि राजा आ रहे हैं. Be ready. तैयार हो जाओ. Nothing like that. ऐसा कुछ नहीं होगा. The entire event happens within a twinkling of an eye. पूरा घटना जो है वो पलक झपकते ही हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. If you are not ready. अगर आप तैयार नहीं हैं. You will miss it. तो फिर आप रह जाएंगे. I pray that will not happen. मेरी प्रार्थना यही है कि आपके साथ ऐसा ना हो. Hallelujah. Hallelujah. A third thought from this passage is. और तीसरा विचार इस भाग से यही है. Christ coming for his faithful followers will enable them to escape the future hour of trial and wrath of God. और परमेश्वर के आगमन जो है वो उसके विश्वास योग्य विश्वासियों के लिए है, ताकि वो उनको ले जाए यहां से और जो भविष्य में आने वाले जो क्लेश है, जो न्याय है, उससे बचाने के लिए. It is called the day of the Lord. और इसको प्रभु का दिन कहलाता है. And day of the Lord is the day when the wrath of God and the hour of trial through Antichrist reign will come upon the nations of the world. और प्रभु का दिन वही है जब प्रभु का क्लेश, प्रभु का क्रोध जो है इस संसार पर डाला उंडेला जाएगा और जो मसीह विरोधी है उसके जो जितने भी सताव है वो शुरू हो जाएंगे. जजमेंट दैट विल कम ऑन द वर्ल्ड इन द एंड टाइम. और ऐसा न्याय, परमेश्वर का न्याय जो संसार पे उतरेगा अंत के दिनों में. एंड गॉड विल सेव हिज पीपल फ्रॉम दैट जजमेंट. और परमेश्वर ऐसे न्याय से, ऐसे भविष्य से अपने लोगों को बचाएगा. लूक चैप्टर 21:36. लूका रजसु समाचार 21 अध्याय. आई वांट सम ऑफ यू टू बी एबल टू ओपन द पैसेजेस फास्ट एंड रीड. Luke chapter 21:36. Luke 21 अध्याय. These are the words of Jesus. Go ahead. आने वाले घटनाओं से बचो. It's a terrible days are coming. क्योंकि भयानक दिन आ रहे हैं. When the hour of trial
और जब जब कठिनाओं का वो घड़ी आ रहे हैं and the wrath of God falling upon the nations which rejected Christ और प्रभु का क्रोध जो है उन सारे राष्ट्रों पर उंडेला जाएगा जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया a nation is its people और जो राष्ट्र है वो उसके लोग हैं that means wrath upon the people who rejected and who abused the name of Jesus Christ. इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर आएगा जिन्होंने मसीह का विरोध किया है और तिरस्कार किया है. Jesus is predicting such a day. यीशु मसीह ऐसा एक दिन का भविष्यवाणी कर रहे हैं. As 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. और पहला थसलोनिकियों पहला अध्याय 10 वचन. And then Revelation chapter 3 verse 10. और फिर प्रकाशित वाक्य 3:10 three verses amen Thessalonians 1:10 first Thessalonians आने वाले प्रकोप से Jesus Christ is predicting and warning us that there is a day coming when the wrath of God will fall upon these nations aur yeshu masi hame chitav rahe hain yahan pe ki ek aisa ghadi aa raha hai jab prabhu ka prakop utrega it is not frightening people aur ye aisa nahi hai ki logo ko dara rahe hain we are telling the truth hum satya bata rahe hain when the doctor advises you to go on for an operation जब डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आपको ऑपरेशन करना है इज नॉट थ्रेटनिंग यू वो आपको डरा नहीं रहा है इज टेलिंग यू द ट्रूथ वो आपको सत्य बता रहा है यू हैव दिस प्रॉब्लम आपके पास ये समस्या है go through an operation. आपको ऑपरेशन करना है एंड व्हाट डू यू डू और आप क्या करते हैं इन ऑर्डर टू नॉट टू रिग्रेट इन द फ्यूचर और आगे पछताने से बचने के लिए यू यील्ड योरसेल्फ टू द डॉक्टर आप अपने आप को सौंप देते हैं डॉक्टर के हाथों में व्हेन यू गो टू द ऑपरेशन थिएटर जब आप ऑपरेशन थिएटर पे जाते हैं व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग विद योर लाइफ आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं यू आर टेकिंग योर एंटायर लाइफ एंड ट्रस्टिंग योर लाइफ इन द हैंड ऑफ दिस डॉक्टर आप अपने पूरे जीवन को ले रहे हैं और डॉक्टर के हाथों में आप सौंप रहे हैं Jesus is telling you and me यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहे हैं day of trial and wrath of God is going to fall upon the nation कि परमेश्वर का प्रकोप और न्याय का दिन इस राष्ट्रों के ऊपर आने वाला है He is not threatening you वो आपको डरा नहीं रहे He is telling you the right thing to do in order to escape प्रभु आपको वो सही बात बता रहे हैं कि आपको क्या करना है ताकि इन सब बातों से आप बचें सो इफ यू वांट टू एस्केप सो अगर आपको बचना है द रॉथ ऑफ गॉड परमेश्वर के प्रकोप से एंड देन योर अल्टीमेट हैबिटेशन ऑफ हेल और फिर वो उस नरक से बचना है ही इज सिंपली टेलिंग यू द ट्रूथ परमेश्वर सिर्फ आपको सत्य बता रहे हैं जागते रहो एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड प्रकाशित वाक्य 3:10 प्रकाशित धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा और जो पृथ्वी पर रहने वालों रखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है दिस रॉथ दैट इज कमिंग इज नॉट जस्ट वन और टू नेशंस बट एवरीवन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ और ये परमेश्वर का न्याय और क्रोध जो है वो सिर्फ एक राष्ट्र के ऊपर नहीं लेकिन संसार के हर एक राष्ट्र के ऊपर आएगा माय फ्रेंड्स मेरे मित्रों प्लीज डोंट लिव सो दैट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड आप ऐसे जीवन ना जिए कि आप यहां पर रह जाएं द रॉथ दैट वी आर द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट इज Beyond our imagination. क्योंकि जिस प्रकोप की बात बाइबल में लिखी है वो हमारे कल्पनाओं से भी परे है And no one can escape. और कोई भी इससे बच नहीं सकता है And I pray मेरी प्रार्थना यही है that you will open your heart to the Lord कि आप अपने हृदय को खोलेंगे प्रभु के लिए those who are even baptized और वे लोग जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया है And you may think oh you are all right you are on your way to heaven आप सोच रहे हैं मैंने बपतिस्मा लिया है मैं ठीक हूँ मैं स्वर्ग जा रहा हूँ these scripture verses we read says you Examine yourself again and see that you live
and do things according to God's standard. और वचन में ऐसे लिखा है कि हम अपने आप को प्रतिदिन हम जांच ले कि हम वो कार्य कर रहे हैं जो प्रभु चाहते हैं ताकि हम प्रभु के मार्गों में चल सके. Jesus is coming. यीशु मसीह आ रहे हैं. And so the wrath of God also coming. So प्रभु का प्रकोप भी आ रहा है. Where will you be then? आप कहां पर जाएंगे? Where the wrath of God falls or in the presence of God? क्या आप प्रभु के प्रकोप में रहेंगे या आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे? My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, don't deceive yourself. अपने आप को धोखा ना दें. Don't treat the things of God very lightly. परमेश्वर के बातों को आप हल्के रूप से ना लें. I close by saying a fourth thought. और चौथी बात को बोलकर मैं समाप्त करता हूँ. The expectation of this glorious and eternal union should be a comfort to all who desire to be with the Lord. और ये जो अनंत काल का जो बंधन है और इसका जो महिमा है, इसका आशा यही है उन लोगों के लिए जो इच्छा रखते हैं प्रभु के साथ रहने के लिए. 1 Thessalonians 4:17. पहला थसलोनिकियों 4:17. दिस थॉट, ये विचार जो है, दिस एक्सपेक्टेशन, ये आशा जो है, द ग्लोरियस एंड इटर्नल यूनियन बिटवीन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हिज चर्च, और ये महिमामय और अनंत काल का जो बंधन है जो प्रभु यीशु मसीह उसके कलीसिया के साथ है, इट शुड बी अ कंफर्ट टू ऑल हु डिसाइड टू बी विद द लॉर्ड. ये हर एक के लिए एक तसल्ली की बात होना चाहिए, हर एक के लिए जो इच्छा रखते हैं प्रभु के संग रहने की. देयर इज नो नीड फॉर पैनिक, और घबराने की जरूरत नहीं है. Paul says, पौलुस कहता है, For me to live is Christ, to die also is Christ. मेरे लिए जीना भी मसीह है और मरना भी मसीह है. Today I am alive. आज मैं जीवित हूँ. Tomorrow if I die or कल अगर मैं मर जाऊँ, because of persecution, सताओ के कारण, don't be afraid. आप डरे नहीं. Because your hope is in God. क्योंकि आपकी आशा प्रभु में है. Hallelujah. Hallelujah. It is a please read that. इसको पढ़ें. Is it verse 18 or 17? Therefore comfort one another. Last verse. अब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ. No. The last verse. तो इन बातों से दूसरों को शांति. What verse is that? 18. Verse 18. 18 वचन. 1 Thessalonians 4:18. पहला थसलोनिकियों 4:18. Use this thought and this revelation to comfort each other. इस वचन को, इस प्रकाशन को इस्तेमाल करें एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए. By, don't be afraid. कि मेरे भाई आप डरो मत. Our redemption is very near. हमारा छुटकारा बहुत निकट है. Jesus is coming. यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं. Hallelujah. Hallelujah. And he takes us away. और वो हमें अपने पास ले जाएंगे. We shall be with him. हम उसके संग रहेंगे. There is no more sorrow there. वहां पर कोई भी दुख नहीं है. No more heartache. कोई भी दर्द नहीं है. No more tears. कोई भी आंसू नहीं है. There is only joy and peace. सिर्फ आनंद और शांति मिलेगा. Oh, what a day it's going to be. क्या ही दिन वो होगा. What a glorious day. क्या ही महिमामय दिन वो होगा. When my Jesus I shall see. जब मेरे यीशु को मैं देखूंगा. Hallelujah. Hallelujah. We say bye-bye, goodbye to the world of sin and wickedness. और उस दिन जब हम इस संसार को, इस पाप भरे संसार को हम अलविदा कहेंगे. Be ready. आप तैयार रहे. Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है. It is not his desire for a single soul to be lost in hell. ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि एक भी आत्मा नरक में खो जाए. But he wants all men and women everywhere to believe in Jesus and come to eternal life. लेकिन वो चाहते हैं कि पुरुष और स्त्री हर एक स्थान से, पूरे संसार से उनके पास आ जाए. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. In the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में. We shall be. हम यीशु के संग रहेंगे. What a glorious day. The Bible says no one has ever seen God.
और क्या ही महिमामय दिन है वो. बाइबल बताती है कि किसी ने प्रभु को नहीं देखा है. So no one knows how he looks like. So कोई नहीं जानता है कि वो दिखते कैसे हैं. And therefore God said to Moses. और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा. Tell my people. मेरे लोगों से कहो. They shall not make any image of anything in heaven, star, sun, moon, or birds, or animals, or human being. They shall not make it because you don't know how God looks like. और प्रभु ने ये आज्ञा दिया कि किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का, किसी भी प्राणी का या किसी भी सृष्टि का कोई भी रूप या मूर्ति ना बनाया जाए. No one can see God. क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है. Because कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता है. Unapproachable light. क्योंकि वो ऐसे प्रकाशन में रहते हैं जिसका सामना हम नहीं कर सकते. हालेलुया. वी कैनॉट लुक दैट लाइट. हम उस प्रकाश को देख नहीं सकते हैं. Saul of Tarsus had a small glimpse of that glory. तर्सुस के सौल जो है उन्होंने एक छोटे से झलक को देखा. It was so blinding. और वो छोटा सा झलक जो है वो उसको अंधा कर दिया. He could not see the next three days. अगले तीन दिनों तक वो अंधा रहा. It took a man of God from Damascus to come to him and pray for him in order for him to receive the sight. और पौलुस को फिर से अपने दृष्टि वापस पाने के लिए ऐसा हुआ कि दमास्कस से एक परमेश्वर का व्यक्ति आया और उसके लिए प्रार्थना किया. उसके बाद वो देखने लगा. It seems to me that vision has caused a permanent damage for his physical eyes. और मुझे ऐसे लगता है कि वो छोटा सा झलक जो है इस सौल के उस आंखों को खराब कर दिया. While he was healed and received his sight. और जबकि सौल को चंगाई मिला वो फिर से देखने लगा. But it seems there was some damage to his eyes. लेकिन ऐसे लगता है कि उनके आंखों में थोड़ा सा परेशानी आ गया. Can it happen? क्या ऐसे हो सकता है? After meeting with God, you can be permanently in this earthly life, get some physical damage. कि प्रभु से मिलने के बाद इस संसारिक जीवन में आपके शरीर में कोई समस्या आए? Yes, it can happen. हाँ, ये संभव है. Remember who Paul was. आप याद रखें कि पौलुस कौन था? He was a proud, arrogant Pharisee. वो एक घमंडी, एक ऐसे फरीसी था. One of the highest, highly qualified, educated man. और सबसे अधिक शिक्षा पाए हुए और बहुत ज्ञानी एक व्यक्ति था. There were not many like Paul. पौलुस के समान और ज्यादा लोग नहीं थे. Possessed with a highly intellectual mind. जो इतना ज्ञान रखते थे, जो बहुत बुद्धिमान था. And he gave most of the doctrines of the New Testament for the church in the New Testament. और कलीसिया के ज्यादातर जो भी सिद्धांत है पौलुस ने अधिकतर उसको दिए. He received amazing revelations. पौलुस ने बहुत अद्भुत प्रकाशन पाए प्रभु से. He was the only one who was taken up to the third heaven. और वही एक व्यक्ति था जिनको उस तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया. In a vision. एक दर्शन में. And there he heard sounds that he was not allowed to utter with this tongue. और वहां पर वो ऐसे बातों को सुने जो उनको अनुमति नहीं था कि वो अपने जुबान से बोले. He could not. उनको अनुमति नहीं था. He was not allowed what he has seen in heaven. जो कुछ भी उन्होंने स्वर्ग में देखा था और सुना था. What he heard in heaven. जो भी सुना था. He was not allowed to utter. पौलुस को अनुमति नहीं था यहां पर बोलने के लिए. And even if he attempted, he couldn't. और अगर उन्होंने कोशिश भी किया होता वो नहीं कह सके. Remember. याद रखें. He was so proud. वो इतना घमंडी था. Of his religion. अपने धर्म के. I won't be surprised. और मैं चकित नहीं हूंगा. That at the gate of Damascus, he was only 10 more miles away from the gate into Damascus. कि Damascus जो शहर था उसके द्वार से लगभग 8 मील के दूरी पर था. When he had that revelation. जब उसको ये प्रकाशन हुआ. There. वहां पर. Every
every arrogance and every feeling of pride, everything was burned into ashes. Shaul ke andar jitna bhi akhad tha, jitna bhi ghamand tha, wo sab wahan par khatam ho gaya. So a small token of God's touch, God's revelation. Aur Parmeshwar ka wo prakash ka ek chota sa jhalak bhi usko bhari pad gaya. There is another man who met God and went away sick. Aur ek aur vyakti tha jo Parmeshwar se milne ke baad usko sharir mein samasya ho gaya. You remember who? Aapko yaad hai? Jacob. Yeah. Yaakub. Jacob. He met with God. वो परमेश्वर से मिला. And after meeting with God. परमेश्वर से मिलने के बाद. He left that spot limping with which he lived the rest of his life. उस स्थान से वो चला गया एक लंगड़े के समान और जिंदगी भर वो लंगड़ा ही रहा. So it can happen. So ऐसा हो सकता है. As a mark of God's touch. परमेश्वर के स्पर्श के एक चिन्ह के रूप में. And as you all know, it is pride that keeping many people. और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये घमंड है जो लोगों को रोकता है प्रभु के पास आने से. But God's mercy and grace. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा. Lord, I want to be ready. प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूँ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus.